तो आइए सबसे पहले हम डो के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है 1 कप मैदा, 1 चम्मच हमने लिया है नमक, 1.5 चम्मच हमने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच हमने लिया है ईस्ट। ईस्ट को आप खमीर बोलते हैं। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप दही का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राई ईस्ट को हम गुनगुना पानी डाल के, 2 चम्मच गुनगुना पानी डाल के हम इसे एक्टिव कर लेंगे। देखेंगे आप इसमें बुलबुले से उठने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये एक्टिव होना शुरू हो गया है। और तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हमने डाल दिया है मैदा, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना नमक, चीनी और हमने डाल दिया है ऑयल। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और जब तक ये हमारा मिक्स हो रहा है आपका ईस्ट भी रेडी हो गया होगा। देखिए ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिव हो गया है, अब मैं इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी और हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट आटा रेडी हो गया है। अब मैं इसे इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बूंदे ऑयल की लगा दूंगी और इसको इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करके इसे मैं लगभग 2 घंटे के लिए ढक्कन लगा के रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। हमने ढक्कन लगा दिए और 2 घंटे बाद हम अपने डो को चेक करेंगे। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, हम अपना डो देख लेते हैं और देखेंगे डो काफी सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे इससे बाहर निकाल लूंगी और आप सरफेस पे थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा इस तरीके से फैला ले और यहाँ पे हम इसको एक बार अच्छे से मसल लेंगे। अब मैं यहाँ पे हल्का सा हाथों में ऑयल लगा के इसको हम चिकना आटा इसका रेडी कर लेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा काफी चिकना हो गया है और काफी स्मूथ भी हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा हाथ में लगा के इसके रोल कर लेते हैं और पहले इसको अलग पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। हमें बेस के लिए एक थोड़ा मोटा आटा लेना है, बड़ा लोई ली है हमने और एक हमने छोटी ली है। इस छोटी वाली की हमें पतली रोटी बनानी है, ये जो बड़ा वाला है मैंने इसे 2 भागों में बांट लिया है, 2 छोटे और 2 बड़े। अब जो जो हमने छोटे आटे लिए हुए इसकी हम पतली पतली रोटी बना लेंगे और तब तक इस डो को हम ऐसे ही रेस्ट करने देते हैं। चलिए इसको हम पतला पतला बेल लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारी रोटी बनके रेडी है और ये काफी पतली हमने बनाई है, जितनी पतली ये हमारी पिज्जा की ऊपर की लेयर है, तो आप कोशिश करें कि ये पतली हो, जितनी ज्यादा पतली होगी पिज्जा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम इसे अब थोड़ा सेक लेते हैं तवे पे। तो हमारा तवा रेडी है, तो चलिए हम अपनी रोटी सेक लेते हैं। और ध्यान रखें इस रोटी को हमें फुलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए
गैस को हम लो रखेंगे ताकि ये रोटी फुल्की ना बन जाए। देखिए हमारी जो रोटी है वो लगभग थोड़ी सी पक चुकी है, बस हमें इसे ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसी तरीके से अब हम गैस बंद कर देते हैं और पिज्जा की तरफ कुचलते हैं। ये देखिए, ये जो हमने बड़ा साइज का आटा दिया था अब हम इसको बेल लेते हैं। पहले हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे। देखिए रेडी है, हम थोड़ा सा सूखा आटा इस पे लगाते हैं और इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें जो हमने ये रोटी बनाई थी इसे थोड़ा बड़ा साइज का बेलना है। हमारा जो नीचे का बेस है ये बनके रेडी है। मैंने थोड़ा सा नीचे से सूखा आटा डाला है ताकि ये आपका चिपके ना। अब मैं इसमें सबसे ऊपर हम इस पे लगाएंगे चीज स्प्रेड। अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो आप मेयोनीज भी लगा सकते हैं। चीज स्प्रेड या मेयोनीज जो भी आप लगा रहे हैं इसमें आप कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पे कंजूसी हुई तो पिज्जा का मजा नहीं आता है। चीज स्प्रेड या मेयोनीज लगाते समय आप ध्यान रखें कि हमने साइड से थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच का करीब का बेस हमने छोड़ दिया है, उस पर हमने नहीं लगाया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी ऊपर से ग्रेटेड मोजरेला चीज। अगेन आपको चीज में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं हमारी दो लेयर्स बन गई हैं। अब जो हमने पतली रोटी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी और हल्का सा मैंने प्रेस किया है। और जब हम इसको बेक करेंगे तो इसके ऊपर बबल्स ना आ जाएं, तो इसके लिए मैं इसमें हल्के हल्के फोक से छेद कर दूंगी ताकि एयर पास हो जाए। और अब ये जो साइड के एक्स्ट्रा कॉर्नर्स थे इनको हम इस तरीके से इसके साथ चिपका देंगे ताकि आपका जो अंदर की जो मेयोनीज और चीज हमने फिल की है वो बाहर ना आ जाए। और कॉर्नर से हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना और चीज भी अच्छे से इसके अंदर लॉक हो जाए। अगेन मैं फोक से इन पे भी हल्के हल्के छेद मार दूंगी। अगर आप छेद ना करेंगे तो ये फूल जाता है एकदम से। चलिए नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाली है पिज्जा सॉस। आप कोई भी अपनी मनपसंद सॉस डाल सकते हैं इसके अंदर, पिज्जा सॉस, टमाटो सॉस, शेजवान, अपने फ्लेवर के पसंद के अनुसार आप डाल सकते हैं इसके अंदर। हमने अपनी पिज्जा सॉस लगा ली है। अब मैं हल्का सा ग्रेटेड चीज इसमें स्प्रिंकल कर देती हूँ। और अब इसके ऊपर आप अपनी मनपसंद सब्जियां जैसे कि कैप्सिकम, अनियन, बेल पेपर, टमाटोज, जो भी आपको पसंद हो, कॉर्न, मशरूम्स, कुछ भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग टॉपिंग्स के अंदर डाल सकते हैं। हमने अपनी टॉपिंग्स डाल दिए। अब ये जो किनारे हैं इस पे मैं थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। मैंने अच्छे से कॉर्नर्स पे बटर लगा दिया है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड चीज। चीज हमने ग्रेट कर दिया। ऊपर से सीजनिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। और अब हम इसे रख देंगे बेक करने के लिए 15 या 20 मिनट के लिए, जब तक कि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाती है। और अगर आप इसे पैन में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसे पैन पे भी कवर करके नॉनस्टिक पैन में भी आप बेक कर सकते हैं। तो अब मैं अपने पिज्जा को बेक होने के लिए रख देती हूँ 15 मिनट के लिए।
आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा बेक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिज्जा है अच्छे से रेडी हो गया है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। देख सकते हैं आप चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है, वाओ। अब देख सकते हैं कि हमारा चीज प्लस पिज्जा कितना एक्स्ट्रा चीजी है, बनके रेडी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।